शुक्रवार को अखिल भारतीय पाल महासभा उत्तर प्रदेश की एक बैठक अखिल भारतीय पाल महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमारी पाल के मानसरोवर कॉलोनी स्थित आवास पर आयोजित की गई, जिसमें पाल समाज को आगे बढ़ाने व संगठन से पाल समाज को जोड़ने पर विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में संगठन का विस्तार करते हुए प्रेम शंकर पाल वरिष्ठ पत्रकार को प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदीप पाल को महानगर अध्यक्ष, रीता पाल को महानगर महामंत्री और गोविंद पाल को मीडिया प्रभारी एवं नितिन पाल को मंडल महामंत्री नियुक्त किया गया। बैठक में महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमारी पाल ने कहा कि हमें संगठन को एकजुट करना है और जल्दी पूरे उत्तर प्रदेश में संगठन का गठन कर आगे समाज के हित में कार्य किए जाएंगे। मैम, संगठन में काफ़ी लोगों के बीच में मतलब विरोध भी चल रहा है अपने संगठन में, तो उसके लिए किस तरीके से आप प्रयास करेंगे संगठन को एकजुट किया जाए? भैया जी, कुछ लोग सिर्फ व्हाट्सएप पर बात करते हैं, संगठन में काम नहीं करते हैं। जो संगठन का पदाधिकारी होगा, जो संगठन का हित, समाज का हित चाहेगा, वो उलझुल बातें नहीं करता। उलझुल बातें तो बस ये फ्री के बस शाम को खाना खा के बैठ गए और बातें करने लगे, सिर्फ व्हाट्सएप पे। समाज में कहीं एक आदमी को जोड़ने का कोई एकजुटता के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे जो समाज एकजुट हो? भैया जी, मैं तो जीवन भर एकजुट करती आई हूँ और आगे भी करती रहूँगी। जब तक जीऊँगी तब तक मैं करती रहूँगी। नई नई रणनीति बनाएंगे, नई नई योजनाएँ निकालेंगे और किसी न किसी तरह से समाज का हित हो, जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उनसे लाभ लें, कुछ हम उन्हें लाभ दें, उनका सहयोग करें, सपोर्ट करें, और होगा वो। अगर हम कोई भी लक्ष्य हम निर्धारित कर लें तो ऐसा, हम नहीं कोई भी आदमी अपना लक्ष्य निर्धारित कर ले तो ऐसा हो ही नहीं सकता जो उसे प्राप्त ना कर पाए, वो जरूर कर पाएगा। मैम, आज आपको जो है अखिल भारतीय पाल महासभा के जो है कुछ लोगों को दायित्व दिया गया, क्या दायित्व दिया गया है और क्या उम्मीद की जाती है उन लोगों से? अखिल भारतीय पाल महासभा से प्रदेश में प्रेमशंकर पाल जी उपाध्यक्ष के पद पे मनोनीत किया गया है। इनके परिवार से, इनके पापा भी अखिल भारतीय पाल महासभा के कार्यकर्ता रहे थे, पदाधिकारी रहे थे, उस समय से इनका परिवार सभा से जुड़ा हुआ है और आशा करती हूँ कि अब प्रेमशंकर बखूबी अपना दायित्व निभाएंगे, महासभा के संगठन को आगे बढ़ाएंगे। मैम, प्रदीप जी को भी कुछ? प्रदीप जी को महानगर का अध्यक्ष अखिल भारतीय पाल महासभा में बनाया गया है। इनके साथ रीता पाल को महामंत्री बनाया गया है। ये अपनी टीम एक महीने में गठित करेंगे और उसके बाद एक प्रोग्राम करेंगे, अपनी टीम का गठन करेंगे, उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। मैम, क्या उम्मीद रखती हैं जिन्हें आपने गठन में मतलब में संगठन में लिया है उनसे? यंग बच्चे हैं, जोश के साथ काम करेंगे, समाज को जोड़ेंगे। कहीं ना कहीं दिल में सब पाल समाज बसता है, इनकी पीड़ा है, संगठन को लेके चिंतित हैं, तो काम करेंगे और अच्छा होगा। जो भी होगा पॉजिटिव वे में सोचते हैं, पॉजिटिव वे में हमें सोचना चाहिए, तभी हम काम कर पाएंगे, तभी हम समाज को संगठित कर पाएंगे।